हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरसी कार के लिए ट्रांसमीटर बनाने वाले हैं। इस ट्रांसमीटर में मैंने जो भी पार्ट्स यूज़ किए हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस ट्रांसमीटर की रेंज लगभग 1 किलोमीटर है। ये ट्रांसमीटर कैसे बनाना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रांसमीटर का वर्किंग दिखा देता हूँ। दोस्तों, ट्रांसमीटर मैंने रेडी किया है, लेकिन इसका रिसीवर का सर्किट मैंने टेम्पररी ब्रेडबोर्ड पे बनाया है। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं ये स्टिक जब पीछे की तरफ खींचता हूँ तो मोटर एक डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो जाती है, और जितना मैं पीछे इसे खींचते जाऊँगा उतना उसका स्पीड बढ़ता जाएगा। मतलब दोस्तों, प्रोपोर्शनल सिस्टम हो गई। अभी देखिए, मैं इसको आगे करता हूँ तब मोटर ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कार हमारी रिवर्स में आ जाएगी। दोस्तों, ट्रांसमीटर के ऊपर यहाँ पर देखिए एक व्हील लगा है, जिससे देखिए मैं ये सर्वो कंट्रोल कर रहा हूँ। दोस्तों, ये सर्वो कार की स्टीयरिंग के लिए है, और ये भी एकदम प्रोपोर्शनल है। जितना मैं व्हील राइट या लेफ्ट में लूँगा उतनी सर्वो राइट या लेफ्ट में जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। दोस्तों, ट्रांसमीटर की मेन बॉडी बनाने के लिए मैं प्लास्टिक का बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। इस बॉक्स में देखिए यहाँ पर मैंने एक होल किया है। ये होल मैंने सोल्डरिंग आयरन की मदद से किया है, जिसमें हमारे ट्रांसमीटर का ये हैंडल लगेगा। ये पाइप दोस्तों आप आपके हिसाब से बड़ा या छोटा ले सकते हैं। मैंने लगभग 1.25 इंच का पाइप लिया है। ये देखिए, इस तरह इसे क्रॉस में ऐसे लगाना है। तो अभी मैं यहाँ पे हॉट ग्लू डाल रहा हूँ और इसे हॉट ग्लू से चिपका दूंगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास दो जॉयस्टिक मॉड्यूल है। मैं जॉयस्टिक मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑटोमेटिक से सेंटर हो जाते हैं। इसकी जगह आप 10K पोटेंशियोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका सेंटरिंग मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो टाइप्स की जॉयस्टिक है। लेफ्ट वाले जॉयस्टिक का जो शाफ्ट है वो प्लास्टिक का है, और दूसरी जो जॉयस्टिक है उसमें मेटल का शाफ्ट लगाया है। इस जॉयस्टिक को दोस्तों देखिए मैंने लकड़ी के टुकड़े पे माउंट किया है। यहाँ पे मैंने दो स्क्रू लगाए हैं, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे लगेगी। तो चलिए इसे लगा देते हैं, लेकिन लगाने से पहले यहाँ पे मुझे नीचे एक होल करना पड़ेगा। दोस्तों, जॉयस्टिक के अप्रोक्सीमेट पोजीशन लेके मैंने मार्किंग कर ली, और उसके बाद मैंने सोल्डरिंग आयरन से उतना पार्ट हटा दिया। यहाँ पे दोस्तों मैंने प्लास्टिक के पेन का टुकड़ा लिया है, और इस शाफ्ट के हिसाब से मैंने इसमें एक होल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्टली यहाँ पे फिट हो रहा है। इसको देखिए यहाँ पे इस तरह से लगाना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने हॉट ग्लू से जॉयस्टिक को लगा दिया। हॉट ग्लू से दोस्तों ये टेम्पररी अपनी जगह पे रहेगा, इसको पीछे से दो स्क्रू लगाने जरूरी है, नहीं तो ये अपनी जगह छोड़ देगा। उसके बाद दोस्तों मैंने हॉट ग्लू से यहाँ पे और एक सपोर्ट लगा दिया है। दोस्तों, ये थ्रॉटल जॉयस्टिक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पीछे की साइड में दो स्क्रू लगा दिए। अब ये बहुत मजबूत हो गया है। बाद में दोस्तों मैंने 1/2 इंच पाइप का एक टुकड़ा लिया है, इसमें देखिए एक तरफ इस तरह से होल कर दिया, और लाइटर से गर्म करके दोस्तों मैंने इसका शेप थोड़ा सा चेंज किया है। तो चलिए अब इसे जॉयस्टिक में लगा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसे लगाने का ट्राई किया, ये लग नहीं रहा था, तो इसको दोस्तों बाद में मैंने पकड़ में पकड़ के स्क्रू टाइट कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी थ्रॉटल स्टिक काम कर रही है। उसके बाद दोस्तों मैंने और एक जॉयस्टिक लिए, जिसे लकड़ी के टुकड़े पे स्क्रू से लगा दिया। बाद में इसके नीचे मैंने देखिए हॉट ग्लू लगाया और इसे लेफ्ट साइड में चिपका दिया। बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पे पीछे की साइड में दो स्क्रू लगा दिए। ट्रांसमीटर पे स्टीयरिंग के लिए दोस्तों मैं ये व्हील यूज़ कर रहा हूँ। ये टॉय कार का व्हील है, मेरे पास पड़ा था। इसकी जगह आप बड़ा ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने पहले एक नट बोल्ट डाला और इसको यहाँ पे टाइट कर लिया। प्लास्टिक के बॉक्स में देखिए मैंने यहाँ पे एक होल किया है, इसके अंदर इसे लगाना है। इसे लगाने के लिए दोस्तों मैंने एक लकड़ी के टुकड़े में होल किया है,
जिसमें नट बोल्ट फ्रीली घूम सके, लेकिन उसमें प्ले ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी इसको मैं हॉट ग्लू से चिपका देता हूँ और बाद में व्हील निकाल के दो स्क्रू लगा दूंगा। बाद में मैंने ऊपर से एक नट लगाया और उसके ऊपर एक नट लगाया। दोस्तों ये दोनों नट एक दूसरे के ऊपर टाइट करने हैं, मतलब व्हील हमारा फ्रीली घूमना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हील फ्रीली घूम रहा है और इसमें ज़्यादा प्ले भी नहीं है। बाद में दोस्तों मैंने पेन की एक रिफिल ली है, इसको देखिए यहाँ पे बेंड किया है मैंने, और दूसरी साइड में एक साइकिल का स्पोक लगा दिया। स्पोक देखिए इस तरह से मैंने बेंड किया है, इसको मैंने देखिए यहाँ पे काट दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा काटा है, और इसकी लेंथ बाद में मैंने मेरे हिसाब से कम कर दी। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड का टुकड़ा लिया है और इसे गर्म करके देखिए इस तरह से बेंड किया, इसके अंदर हमारा ये स्पोक लगेगा। और ये प्लास्टिक का पीस इस शाफ्ट के ऊपर लगेगा। और दोस्तों रिफिल वाला जो एंड है वो मैंने जॉयस्टिक में लगा दिया। बाद में दोस्तों मैंने इस प्लास्टिक के टुकड़े के ऊपर एक नट लगा के उसे टाइट कर दिया ताकि ये व्हील के साथ घूमे और अकॉर्डिंगली हमारी जॉयस्टिक को ऊपर या नीचे करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे स्टेयरिंग का मैकेनिज्म। यहाँ पे दोस्तों मैंने NRF मॉड्यूल लिया है, ये मॉड्यूल 3.3 वोल्ट पे चलता है, तो इसीलिए मैं ये एडाप्टर यूज़ कर रहा हूँ। इस असेंबली को दोस्तों बॉक्स में फिक्स करने से पहले मैंने इसमें केबल लगा दी। इस एडाप्टर के ऊपर दोस्तों पिन्स के नाम लिखे हैं CE, CSN, SCK, MO और MI। तो इन पिन्स में जो भी वायर आपने लगाई है वो एक पेपर पे लिख लीजिए। जैसे मैंने CE में ब्लू वायर लगाई है, पर्पल वायर मेरी है CSN में, ये बाद में हमें काम आएगा। दोस्तों एडाप्टर के एक साइड में मैंने देखिए यहाँ पे डबल साइड टेप लगा दी है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं मैंने एक होल किया है जिससे कि हमारा एंटेना का कनेक्टर वहाँ से बाहर आ जाए। बाद में दोस्तों मैंने ऊपर की तरफ एंटेना लगा दिया। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अड्रिनो नैनो बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास दो बोर्ड है, दो NRF मॉड्यूल है, एक विद एंटीना और एक विदाउट एंटीना, और दो एडाप्टर है। पहले तो मैं नैनो बोर्ड की सोल्डरिंग आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसके पिन हेडर्स को ब्रेडबोर्ड में लगा दिया है जिससे कि हमें सोल्डरिंग करने में आसानी हो। इन पिन्स के ऊपर देखिए मैंने बोर्ड को रख दिया और बाद में सोल्डरिंग कर दी। दोस्तों सोल्डरिंग कंप्लीट होने के बाद नैनो बोर्ड को मैंने देखिए इस डायग्राम के हिसाब से कनेक्ट किया है। एक जॉयस्टिक हमारी रिवर्स फॉरवर्ड के लिए और एक लेफ्ट राइट टर्न के लिए है। बोर्ड को दोस्तों मैंने 7.4 वोल्ट लिपो बैटरी से सप्लाई दिया है। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कनेक्शंस कर दिए हैं। दोस्तों ये दोनों जॉयस्टिक और NRF एडाप्टर को मैंने 5 वोल्ट का सप्लाई दिया है, तो इसीलिए मैंने तीनों की पॉजिटिव वायर्स को देखिए एक साथ सोल्डर करके टेप किया है और उसका कनेक्टर अड्रिनो नैनो के +5 में लगा दिया। सेम मैंने दोस्तों ग्राउंड वायर के लिए किया है, तीनों ग्राउंड वायर्स को एक साथ करके बोर्ड के ग्राउंड पिन में लगा दिया। यहाँ पे दोस्तों आपको रेड और ब्लैक वायर दिखाई दे रही है, तो ये VIN और ग्राउंड वायर है, मतलब बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। इन दोनों वायर्स को दोस्तों देखिए मैंने यहाँ से ज्वाइंट देके पाइप के थ्रू पास किया है और दूसरे एंड में एक JST कनेक्टर लगाया है।
तो चलिए अभी बैटरी कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी लाइट जल चुकी है, मतलब हमारा कनेक्शन ठीक से काम कर रहा है। दोस्तों ट्रांसमीटर का बेस बनाने के लिए मैंने और एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है, इसके अंदर हमारा पाइप लगेगा और बैटरी भी रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पाइप के हिसाब से मार्किंग करके होल किया है, बाद में इस तरह से इसमें मैंने पाइप को फंसा दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक स्क्रू भी लगाया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर ऑलमोस्ट रेडी है। बाद में दोस्तों व्हील को कवर करके मैंने स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरह दिख रहा है। बाद में दोस्तों हमें अर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। जस्ट गूगल में जाके अर्डिनो आईडी टाइप कीजिए, जो पहली लिंक आती है उस पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, हमारा ट्रांसमीटर चलाने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है, तो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। बाद में आपको कोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड जिप फाइल करना है। दोस्तों जिप फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको अर्डिनो आईडी में जाना है, वहाँ पे आप स्केच पे क्लिक करेंगे, इंक्लूड लाइब्रेरी, ऐड जिप लाइब्रेरी, और बाद में आपकी लाइब्रेरी जहाँ पे अभी जो डाउनलोड हुई है वहाँ पे क्लिक करके उसे ओपन कर दीजिए, तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी करके रखी है तो अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। दोस्तों ये है ट्रांसमीटर का कोड, आपको सेम ऐसा ही कोड अर्डिनो आईडी में टाइप करके नैनो बोर्ड पे अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम रिसीवर बनाएंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।